नमस्कार, मैं निकिता कश्यप। स्वागत है आपका भारत न्यूज टीवी में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। पंजाब में बलात्कार जैसी घटना में आए दिन विस्तार हो रहा है। अगर बात करें जिला फिरोजपुर की, तो फिरोजपुर के थानों में अनेकों ऐसे मामले दर्ज हो चुके हैं और पीड़ित लोग इंसाफ लेने के लिए थाने के चक्कर काट रहे हैं और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। ऐसा ही एक और मामला जिला फिरोजपुर के गांव आतूवाला से सामने आया है, जहां तारीख 28/9/2019 को एक विहता के साथ कुछ लोगों की तरफ से बलात्कार किया गया था और आज तक वह औरत इंसाफ लेने के लिए थानों के चक्कर काट रही है, परंतु पुलिस उसे इंसाफ नहीं दे रही। जानकारी देते हुए पीड़िता बीना रानी पत्नी वीर सिंह निवासी गांव आतूवाला ने बताया कि 28/9/2019 की शाम को वह दुकान से दूध लेकर घर वापस जा रही थी कि रास्ते में गांव के हरजिंदर सिंह धमा आदि ने उसे अगवा कर एक कमरे में ले गए और वहां उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसकी रिपोर्ट वह थाना लखो के बरहा में दर्ज कर चुकी है। परंतु 2 महीने बीत जाने के बावजूद भी पुलिस उसको इंसाफ नहीं दिला रही है और वह इंसाफ लेने के लिए पिछले 2 महीनों से थाना लखो के बहराम के चक्कर काट रही है, परंतु पुलिस उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है और दोषी आज भी पुलिस की छत छाया के नीचे खुलेआम घूम रहे हैं। उधर जब इस मामले को लेकर हमारे चैनल के पत्रकार सुखचैन सिंह की तरफ से थाना लखो के बहराम की पुलिस के साथ बातचीत करने की कोशिश की गई, तो अपनी नालायकी छिपाने के लिए वहाँ के ASI बलवंत सिंह बदसलूकी करते उल्टा कवरेज करने गए हमारे पत्रकार पर ही भड़क उठे, जिसे यह साबित होता है कि इस इलाके में जो भी क्राइम हो रहा है वह सब पुलिस की भगत के साथ ही हो रहा है। फिरोजपुर से सुखचैन सिंह की रिपोर्ट। मेडिकल एफआईआर दी, पर्चा दर्ज होया, कोई नहीं उन्ना SSP दे दरखास्त दित्ती सी, कोई सुनवाई नहीं साड़ी होई। आ साड़े मेडिकल दी रिपोर्ट है, ਸਾਡੇ ਕੋ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਜਨੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਤਿਲਕੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਕੋਲੇ 3 ਜਣੇ ਨੁੱਕੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਜਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਤਾਮਾ, ਇੱਕ ਰਮਨਦੀਪ। ਇਹ ਨੁੱਕੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਲਈ, 1 ਜਣੇ ਨੇ ਵਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਝੋਨੇ 'ਚ। ਇਹ ਰਮਨ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਬਾ ਡਿੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਰਾਜੇ ਵਾਲੇ ਰੇਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰੂ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਡੱਬਾ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਰੇਹੜੀ ਡੱਕੀ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡੱਬਾ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੀਚੇ? ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀਚੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਅਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ, ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ TV ਦੇ ਸਾਥ। ਨਮਸਕਾਰ।